हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरिन शैरल इन ड्रीम वर्ल्ड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टेंडे और चिकन। तो इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। टेंडे मेरे हाफ के जी हैं और चिकन भी मेरी हाफ के जी है, और लहसुन अदरक टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिया है, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है एक गट्ठी, और ड्राई मसालों में आप देख लें पिसा हुआ ज़ीरा एक टीस्पून, एक टीस्पून काली मिर्च, एक भर के टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया, एक टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून गरम मसाला। तो देखें प्याज मैं रख चुकी हूँ ब्राउन होने के लिए, मैं प्याज ब्राउन करती हूँ, फिर मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आपको आज की भी हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और हमें तो बहुत पसंद है टेंडे और चिकन, तो इनके पापा को भी बहुत पसंद है टेंडे, तो आज इसी इनकी फरमाइश पे टेंडे और चिकन पक रही है। तो मिलते हैं आपसे, अभी प्याज ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। देखें गाइस, प्याज मेरे हो चुके हैं ब्राउन, और इसमें अब मैं शामिल करूँगी ये हाफ के जी चिकन। ये हाफ के जी चिकन है, थोड़ी सी फ्राई करूंगी। ये देख लें, चिकन थोड़ी सी प्याज के साथ फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हम ये जो मैंने ग्राइंड किए हुए मसाले ये डालूंगी। इसमें मैंने तकरीबन 4 दरमियाने साइज के टमाटर डाले हैं, और अदरक डाला है, लहसुन और हरी मिर्ची ग्राइंड की है, और शोरबे वाले सालन में मैं ज़्यादातर अमूमन जो है टमाटर जो मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि इससे ज़रा ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी बनती है। जो आपका शोरबा है उसमें ये कि टमाटर वगैरह नहीं तैरते, तो जितने भी मैं शोरबे वाले अपने सालन बनाती हूँ तो उसमें मैं टमाटर ग्राइंड करके डालती हूँ। और एक बात और बता दूँ, हमेशा की तरह एज़ यूजुअल आपको मेरे इन ड्राई मसालों में कहीं भी लाल मिर्ची आपको नज़र नहीं आएगी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने खानों में लाल मिर्ची बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, तो हम इन्हीं स्पाइसेस से अपना मसाला बनाते हैं, और हरी मिर्ची का इस्तेमाल हम लहसुन अदरक में ज़्यादा रखते हैं, और गरम मसाला और काली मिर्ची यूज़ होती है मसालों में। और आप फिर कह रहे होंगे कि आपको कहीं इसमें लाल मिर्च नज़र नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर से ये बात दोबारा शेयर कर लूँ कि हम लोग अपने खानों में लाल मिर्ची का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, हरी मिर्ची ज़्यादा रखते हैं और काली मिर्ची और गरम मसाले से अपना मसाला तैयार करते हैं, और खाना बहुत मज़े का भी बनता है। आप ये ना कहिएगा कि पता नहीं खाना कैसा बनता है, और बिल्कुल अच्छा बनता है, किसी दिन आप भी ट्राई करें। देखें गाइस, चिकन मेरी प्याज के साथ जो है वो हल्की सी भुन चुकी है, तो अब मैं इसमें जो मैंने ग्राइंड किए हैं अपने टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्ची ये इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने डाल दिए हैं, साथ ही इसमें जो ये हमारे ड्राई मसाले हैं ये भी सारे साथ डाल दूंगी मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और टेंडे चिकन सालन के साथ भी अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन आज जो है मैं चावल बिल्कुल नहीं बनाऊंगी इसके साथ, क्योंकि आज इसके साथ हम रोटी खाएंगे और चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। देखें गाइस, चिकन भुन रही है मेरी, और इसके साथ ही मैं ये अपने आधा किलो जो मैंने टेंडे लिए हैं ये भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो सब इन दोनों को हम अच्छी तरह भुनेंगे, चिकन और टेंडों को, कि ताकि अच्छी तरह जो मसाला है वो हमारा भुन जाए। देखें गाइस, चिकन और टेंडे जो हैं मेरे अच्छी तरह भुन चुके हैं, तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। तकरीबन 2 ग्लास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि शोरबा भी रखना है थोड़ा मुझे इसमें। ये देखें, पानी मैंने शामिल कर दिया है, और कलर देख लें कितना अच्छा आ रहा है, कि आप देख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आपको कहीं लाल मिर्ची नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि आप लाल मिर्ची तो डालते नहीं तो फिर आपके सालन का कलर कैसे आता है, तो ये आपकी नज़र के सामने है, देख लें
मैंने आपके सामने जो भी स्पाइसेस डाले उसमें लाल मिर्ची ली थी, और देख लें कलर कितना अच्छा आ रहा है। उम्मीद करूँगी आपको हमारी ये बात अच्छी लगेगी, और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी हमारी आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो इसी तरह हमारी वीडियोज़ को देखते रहें और लाइक करते रहें, और आप सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हमारी ये दुआ है। तो चलें अब मैं इसको कवर करती हूँ, और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसको देखती हूँ, एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी, और तकरीबन 20 मिनट में मेरा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। देखें गाइस, सालन मेरा रेडी हो चुका है, और अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ एक गट्टी धनिया और 4 से 5 है हरी मिर्ची। कितनी खूबसूरत सालन की रंगत आ रही है। तो अब टाइम है इसको डिश आउट करने का, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखें गाइस, सालन मैंने आपके सामने डिश आउट कर दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी टींडे और चिकन की। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।